टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के न्यूज बुलेटिन का आगाज हम दिवाली की शुभकामनाओं से करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिवाली भारतीय फौजियों के साथ जम्मू कश्मीर में मनाई। जब वो फौजी नौजवानों से मिलने गए तो नौजवानों ने जोश और जज्बे के साथ भारत माता की जय और जो बोले सोनिहार के नारे लगाए। भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय, बोले दिवाली के मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारतीय फौज के नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि मैं आपके बीच प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि आपके खानदान का एक रुकन होने की हैसियत से मौजूद हूं। हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से व्यतीत समय हो गया, बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई। जम्मू कश्मीर नौशहरा के मुकाम पर फौजी जवानों से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की फौज में लड़कियों की भर्ती को बढ़ाने का काम भी अपनी बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हम भारत की बेटियों को हर शोबे में आगे से आगे लेकर जाएंगे। साथियों, नारी शक्ति को नए और समर्थ भारत की शक्ति बनाने का गंभीर प्रयास बीते 7 सालों में हर सेक्टर में किया जा रहा है। देश की रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की बेटियों की भागीदारी अब नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्चों पर तैनाती के बाद अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है। मिलिट्री पुलिस के द्वारा बेटियों के लिए खोलने के बाद अब महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देना इसी भागीदारी के विस्तार का ही हिस्सा है। अब बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे देश के प्रीमियर मिलिट्री संस्थानों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इसी वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से यह भी घोषणा की थी
कि अब देश भर के सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी पढ़ाई का अवसर मिलेगा। दिवाली के इस मुबारक मौके पर जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान की फौजों ने आपस में मिठाई का तबादला किया। इस मिलाप की चंद झलकियां देखिए। श्रीनगर में सूफीज्म के पैगाम को फैलाने की खातिर सूफी विरासत के नाम से एक कल्चरल शो मुनक्किद हुआ, जिसमें कश्मीरी म्यूजिक और शायरी के आला नमूने पेश किए गए। हम बेसिकली सूफीज़म का बात करते हैं, सूफीज़म ही चलाते हैं, तो उसमें तो इन जगहों पे तो बड़ा बड़ा ये ख़ास अहमियत वाला जगह है। तो हम आजकल जो प्रोग्राम हम करते हैं, जितने भी गुमनाम शायर हैं, हमारे शायर तो है हमारे कश्मीर में बहुत सारे हैं, जैसा कि आप अगर हम शुमार करेंगे, आप शेखुल आलम नूरदीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह से लाला इरफा से आप शुरू करें, शम्स फ़कीर न्याम साहब, अहमद बटवारी साहब, हज़रगर साहब, रहीम साहब, सोपोर सशकराल साहब, बहुत सारे इस सरजमीन ने उन शायरों को पैदा किया है कि बड़ी देन है उनकी। और वो सूफी बुज़ुर्ग जो है, जितने भी हैं, उन्होंने हमेशा अमन के लिए काम किया और मोहब्बत प्यार उसके सिवा कुछ भी नहीं। आखिर में अनंतनाग के इलाके में सड़कों की तामीर के हवाले से एक प्रोजेक्ट की खसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिस पर 158 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और इसके मुकम्मल हो जाने से जम्मू कश्मीर में आमदोरफ्त की मजीद सहूलियात दस्तयाब हो जाएंगी। नेशनल हाईवे 244 का काम चल रहा है, ये वाइलू टू दोनी पावा ये नेशनल हाईवे है।
बिकॉज इससे पहले ऑलरेडी नेशनल हाईवे से अशाजीपुरा टू धोनी पावा जो 8.5 किलोमीटर का लिंक है उसको लिया गया है। जो नेशनल हाईवे हमारा बन रहा है इससे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर को इससे फ़ायदा मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये नेशनल हाईवे जो है ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से होते हुए कोकरनाग में एक सियाहती मुकाम है उसके साथ जब जाते हुए सिंथन टॉप वहाँ पे भी एक अच्छा सियाहती मुकाम है और उसके साथ अगर कश्तवाड़ की बात करें तो मुग़ल मैदान को भी ये इसके साथ जोड़ता है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा हो रहा है, एक डेवलपमेंट की तरफ एक जा रहा है। और सर इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे पे जो काम चल रहा है उनके तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं, साथ में कुछ यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका रोज़गार भी उसके साथ चल रहा है। आप जानते हैं कि कोकरनाग दक्सुम ये बहुत खूबसूरत टूरिस्ट इलाके हैं जिनकी कनेक्टिविटी को सुधार करने के लिए बहुत ज़रूरत है। और अब इस हाईवे आने से जो 2 लेन ऑलरेडी था इसको 4 लेन कर लिया जाएगा, वो एक प्रेफर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनेगी और कहीं ना कहीं उस एरिया में जो इकोनॉमिक पूरी डेवलपमेंट है उसको बढ़ोतरी मिलेगी। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।